तो आज गोल्दी हमको छोड़ के जाने वाली है, हमको भूल मत जाना। याद है बचपन में कितने मस्ती करी, क्या क्या कहाँ कहाँ घूमने गए, नाशपाती खाए, अमरूद खाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी रात के बज रहे हैं 2:29। इस टाइम पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज अभी अभी एक व्लॉग मैंने एंड करा है और एक स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एडिटिंग के लिए आया था यहाँ पे, आपको पता होगा लास्ट व्लॉग में देखा होगा, गोल्दी की शादी में आया हूँ। एडिटिंग कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं शादी में। तो अभी मेरा व्लॉग एडिट हो गया है, रेंडर पे लगा दिया मैंने, अब चलते हैं मस्त शादी में जाके एंजॉय करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्यूसी निन्नी आ रही तेरे को, 2:30 बज गए, मैं तो एडिटिंग कराया। बच्चों तुम्हारा क्या चल रहा है? और हमने एक सरप्राइज बनाया। ओए ये देखो गाइस बच्चे क्या काम कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं करते भाई, किसने सिखाया तुमको ये? हमने डेकोरेशन किया। डेकोरेशन, वाह आजकल के बच्चे देखो कितने तेज हो रहे हैं, बच्चों का तो अलग ही चल रहा है। तो गाइस ध्यान से देखो इसको, वहाँ पे फल से भरी टोकरी पड़ी हुई है और उसमें से फल निकाल के खाए जा रहे हैं दोनों के दोनों भाई, वो पूजा के लिए है। बधाई हो, प्रणाम। तो अभी गाइस एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी, एक दवाई लेके आई थी हमको दांत दर्द की, तो उसके लिए जा रहे हैं अभी सुबह सुबह हम, वो भी साहिल की बाइक पे। और यहाँ पे हो रही अंदर शादी, तो मेरे साथ जा रहा है शुभम और बाइक की सीट पूरी गीली हो रखी है उससे, तो साफ कर रहे थे हम। भाई अभी भी गीली है ये, तो भी गाइस खतरनाक वाली ठंड हो रही है। सुबह सुबह बाइक राइड कर रहा हूँ पहाड़ पे, सुबह सुबह का चांद देखो, 4 बजे का चांद और पूरी रोड खाली, ऑब्वियसली बात है सुबह 4 बजे खाली मिलेगी। हमारी एक दीदी है ना, उनके दांत में बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं लेके आऊँगा आपके लिए। वैसे मेडिकल बंद है लेकिन मैंने खुलवा दी पता है कॉल करके, एक्चुअली दांत में दर्द की चाहिए थी। आपको दर्द हो रहा है? नहीं नहीं मेरे को नहीं हो रहा है, हमारी एक दीदी का मतलब अभी ठीक हो जाए ऐसी कुछ। हाँ, हाँ, ठीक है, ये भी सुबह शाम लेना है, ये पहले ले लेंगे खाली पेट, अभी जाते ही पहले ये गोली दे देंगे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली दवाई हमको मिल गई है, रात का सीन भी था, डरावना जैसा लग रहा है यार। तो अभी गाइस हम होटल पे पहुंच गए, चलो चलते हैं। भाई मेरा हाथ देख कैसा हो रहा है, सुबह शाम की है, एक गोली है दे देना, एक गोली है, दो गोली है बस, सुबह शाम की है और ये खाली पेट दे देना बस। तो गाइस दवाई ले आए थे, दवाई दे दी है और शादी भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी ठंड में बाहर से आए हैं, चाय पीते हैं, यहाँ पे चाय का देखो ये पूरा चाय का पूरा कंटेनर है, इसमें से निकाल के पीते रहेंगे हम रात भर जाग के, देखो क्या हाल हो गए हैं। बैठे बैठे सोए हैं अपने बच्चों को लेके कोने में जाके, तीन बंदे यहाँ सोए, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, स्टेज पे ही सो गए ये बच्चे, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बड़े सो रहे हैं सारे। तो अभी फिलहाल वीडियो अपलोड करने के लिए मैं बालकनी में आया हूँ और यहाँ पे स्पीड देखो कितनी मस्त आ रही है, 99 100 हो गई। तो अभी गाइस पॉपट हो गया, वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो यहाँ बाहर बालकनी में मस्त स्पीड आ रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपलोड करने के लिए, अब 5 मिनट में हो जाएगा, होपफुली दोबारा कॉपीराइट क्लेम ना आए। ऑलमोस्ट सभी के सभी सो गए शादी कंप्लीट होने के बाद, और एक और पॉपट हो गया, मेरी जो थार है ना उसको पंचर हो गया, पता नहीं उसके अंदर टायर में ना कोई पत्थर घुस गया और खतरनाक वाला टायर फट गया है, तो देखते हैं अब क्या होगा, टायर चेंज होगा या पंचर होगा, वो तो पंचर वाले बताएंगे। इसीलिए अभी मैं बाइक ले गया था, जब दवाई लेने गया था ना इसीलिए थार नहीं ले गया मैं, नहीं तो इतनी ठंड में बाइक क्यों ले जाता। तो आज सबसे पहले मैं सुबह पंचर बनवाऊंगा। तो फाइनली दोबारा वीडियो अपलोड हो गई है, तो फाइनली गोल्दी की शादी कंप्लीट हो चुकी है, कैसा लग रहा है? क्या बताऊं, वो तो कल से लगेगा ना। तो आज गोल्दी हमको छोड़ के जाने वाली है, हमको भूल मत जाना, याद है बचपन में कितने मस्ती करी, क्या क्या कहाँ कहाँ घूमने गए, नाशपाती खाए, अमरूद खाए, नाशपाती खाने की पड़ी रहती है, खाने की बस खाने की पड़ी रहती है। अब गोल्दी हमको छोड़ के जाने वाली है और काफी बुरा लग रहा है, बस मिलते रहना हमसे। और अभी उजाला भी हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ थार के टायर का क्या हाल है। तो ये अपनी थार खड़ी है और इसका टायर देखो, ये देखो पूरा पिचक गया नीचे से, और यहाँ पे ये देखो टायर में क्रैक आ गया, पता नहीं ये पंचर ठीक होगा या टायर चेंज होगा। फिलहाल तो मैंने पंप लगाया है, इससे हवा भरने की कोशिश करते हैं। तो भी भाई भी है मेरे साथ में हेल्प करने के लिए, चलो सही है, सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ रही है। तो भी थोड़े बहुत हमने हवा भर दी है और देखो आवाज आ रही है इसमें से, ये तो क्लियरली आवाज आ रही है हवा निकलने की, तो इसको जल्दी लेके चलते हैं सारी हवा निकलने से पहले। अभी सुबह सुबह पंचर वाली शॉप तो बंद पड़ी है,
गाड़ी हम यहाँ पे ले आए लेकिन, तो गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी शॉप पे, जब खुलेगी तब जाएंगे, अभी फिलहाल जा रहे हैं वहीं पे बैंकेट हॉल पे। तो अभी गाइस बच्चे पता नहीं कहाँ खो गए हैं सारे सारे, पीयूष और जितने बच्चे थे ना ऐसे में वो कोई कोना पकड़ के सो गए हैं, तो उनको ढूंढते हैं। तो बच्चे सारे यहाँ पे हैं, पीयूष वैष्णव वगैरह सारे यहीं सोए हैं। सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी ये मोहब्बत सताया वे, सारी रात जागी ना सोई वे, सारी रात जागी ना सोई वे, कट गए दिन बीते रातों, आया ना सजना जग वे। तो भी विदाई हो चुकी है, दुल्हन भी जा चुकी है और अभी तक इनकी शॉप नहीं खुली है पंचर वाली। तो थार की हवा फिर से निकल गई पूरी की पूरी। अभी फिलहाल मैं गाड़ी में बैठ के ही वेट करता हूँ शॉप के खुलने का, बिकॉज गाड़ी को छोड़ के तो जा नहीं सकते। बाकी सारे जा चुके हैं नीचे घर में। बाय द वे विदाई हो चुकी है, गोल्दी जा चुकी है और काफी बुरा लग रहा था, मतलब बहुत इमोशनल था, मेरे को भी आंसू से आ रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसा फील होगा। मैंने सुना था कि रोना आता है, मम्मी तो बहुत रो रही थी, सारे ही रो रहे थे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने ये। तो अभी शॉप तो खुल गई है और ये कह रहे कि हम पंचर लगाते ही नहीं है, ला इतनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं इनकी शॉप खुलने का, कह रहे पंचर वहाँ पे लगेगा, ले भाई फिर से पोपट। अब मैं इसको लेके कैसे जाऊँ क्योंकि हवा तो निकली हुई है पूरी, दोबारा से हवा भरनी पड़ेगी क्या? चलो अब कोई और चारा नहीं है, अकेले ही भरनी पड़ेगी हवा। अब हवा भरनी पड़ेगी तभी ले जा सकते हैं, नहीं तो इसका वो खराब हो जाएगा। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार, अब बट करना पड़ेगा। तो भी थोड़ी बहुत हवा भर दी है मैंने, अब चलते हैं। अब दूसरी जगह पे ले जा रहा हूँ पंचर लगवाने के लिए। तो अभी गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे लग जाएगा। इसमें घुसा है पत्थर, इतना बड़ा पत्थर घुसा था इसमें और उससे ना कुछ क्रैक सा हो गया है। तो भैया ने तो टायर ही निकाल दिया, अब टायर निकाल के चेक करेंगे इसको। तो अभी इस वाले टायर को निकाल रहे हैं और ये टायर लगाएंगे यहाँ पे और इधर वाला इधर। तो टायर चेंज हो चुका है, नया वाला टायर लगा दिया यहाँ पे। तो गाइस सीन ऐसा है कि पंचर तो लगानी बिकॉज टायर फट चुका है, तो टायर ही चेंज होगा जो कि अभी वारंटी में है, तो महिंद्रा से मुझे नया टायर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने नया वाला टायर लगवा लिया और पुराना वाला टायर हमारा चेंज हो जाएगा, हमको नया टायर मिल जाएगा उसकी जगह, क्योंकि अभी तो वारंटी में है ना भाई। अभी तो मैंने कुछ ऑफ रोडिंग करी नहीं, ऐसे टायर फट गया थार का। देख लो इस वाली रोड पे यहाँ पे घुसा था पत्थर, मतलब यहाँ पे क्या ऑफ रोडिंग दिख रही है आपको। तो अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ घर की साइड नीचे। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, भूख लग रही है। अच्छा खाना बन रहा है क्या? अरे वाह, कड़ी कड़ी चावल बना रहे हो, चलो बढ़िया। तो सारे बच्चे लोग यहीं बैठे हैं। तो अभी फिलहाल लंच करते हैं कड़ी चावल। तो अभी गाइज ऑलमोस्ट सारे रिलेटिव्स जा चुके हैं, बस थोड़े बहुत बाकी हैं और जितने बाकी हैं सारे के सारे सो चुके हैं, बिकॉज रात भर नहीं सोए थे ना। और सोनू भी अपने साफ सफाई में लगे हैं मस्त, बच्चा पार्टी तो छत में ही सो गए सारे, यहीं पे जूते वूते उतार के। एक शादी में इनका ये हाल है, बट मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, बिकॉज मेरे को तो आदत है ना मैं डेली एडिटिंग करता हूँ लेट लेट तक, तो मैं कई बार सोता भी नहीं हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं है मेरी आंखों में। तो शादी के बाद यहाँ पे काफी सारा कूड़ा हो गया देखो नीचे वाले खेत में, तो ये सारे साफ करने हैं। अब नींद तो आने रही तो साफ सफाई कर लेते हैं। अबे ये कौन खाया, देख लो अब आपके राज में क्या क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा गंदगी तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे टेंट लगा था ना तो सारे उसी के मलबे पड़े हैं टेंट के। तो अभी जो ये वाला एरिया है ये हमने क्लीन कर दिया है और देखो कितना सारा इकट्ठा हो गया है। सभी सो गए थे तो खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। तो हमने इस वाले खेत पे अच्छे से क्लीन कर दिया, देखो अब यहाँ भी ठीक लग रहा है। बाय द वे यहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं सारी मामियों के द्वारा, यहाँ पे इसी तरह से बाहर बैठ के सारे मिलके बर्तन धो लेते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर रात का डिनर बनते हुए, यहाँ पर सब्जी बन रही है रात की बाहर, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर आग सेक रहे थे, सो उसी के ऊपर यहाँ पर कढ़ाई लगा के हमारे प्रोफेशनल शेफ हमारे जिया जी द्वारा बनाई गई। तो अभी रात के 7:17 हो चुके हैं और थोड़ी देर में सो गया था, और बच्चा पार्टी यहाँ पे छत में बैठी है सभी के सभी, ये पबजी खेल रहे हैं। पीयूष को दुख है कि उसके पास फोन नहीं है, पीयूष नहीं खेल पा रहा है, रात भर शादी में नहीं सोने का नतीजा, फोन हाथ में लेके कैसे सोया हुआ है लिटरली।
भाई ये सच्ची में भाई अटक गया भाई सच्ची में सो गया वो बोल दी उसके कान में क्या चल रहा है वो उसके कान में कुछ डला भी हुआ है कान में भी कुछ है भाई ऐसे कोई कैसे सो सकता है फोन चलाते चलाते फोन चलाते चलाते ओए भाई क्यों छेड़ रहे हो यार इसको क्यों उठ गया ओ भाई ओ तूने मिस कर दिया भाई इतना मस्त सीन था तूने मिस कर दिया भाई ऐसे कौन ऐसे कोई सोता है ऐसा क्या सुन रहा था हमको बता दे हमको भी आ जाएगी नींद हाथ में फोन पकड़ा हुआ था कान में ईयरफोन लगे हुए तो सो गया हाथ में पकड़े पड़े तो भी गाइस रात के बज चुके हैं 11:19 और सभी के सभी अभी हम सोने के लिए रेडी हैं। काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी मस्ती हो रही है और आज का दिन भी काफ़ी बढ़िया था। सारे सो रहे थे और थोड़ी बहुत साफ सफाई की हमने। बाकी और कुछ बोलना चाहोगे? और चार दिनों से हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और बिटिया की विदाई भी हमने की और बिटिया आज अपने घर चली गई विदा होकर। हम भी कल अपने अपने घर को जा रहे हैं। कल हम भी निकल रहे हैं तो सुबह सुबह निकलने का प्लान है सुबह 6 बजे। तो अब जल्दी से बस सोते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। क्या कर रहे हो तुम? बोलते रहते हो कुछ ना कुछ। इसका मुंह बंद करो यार, ये बोलने दे रहे मुझे। चुप हो जा ना। ओए चुपचाप सालो, गुड नाइट बोलने दो। चल तू खत्म कर। चुप रहो यार, व्लॉग एंड कर रहा हूँ। इसको देख के हंसी आ रही है। ये हमारा लंबू। ओ भाई इसको ये है देवेश। कुछ कर यार ब्रो, सामान ला। अरे नाक फोड़ दी मेरी यार आज। चल तू खत्म कर। क्यों काट ओए काट दी तू। कैमरे पे ध्यान दे। किसी को कुछ बोलना है? हाँ तू मत बोल। तू नहीं बोलेगा।